सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सब कुछ ठीक होने का इंतजार करोगे तू, बस इंतजार ही करते रह जाओगे। हिम्मत करो, खुद उठो और सब कुछ ठीक करो। जहाँ संवाद ना हो वह संबंध व्यर्थ है और जहाँ विश्वास ना हो वहाँ आगे बढ़ना ही व्यर्थ है। घर के अंदर भले ही दिमाग ले जाओ क्योंकि दुनिया एक बाजार है। घर के बाहर भले ही दिमाग ले जाओ क्योंकि दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल ले जाओ क्योंकि वहाँ एक परिवार है। आज का पंचांग 2 मार्च 2021 दिन मंगलवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात्रि 2:59 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्रा नामक नक्षत्र रात्रि 3:29 तक रहेगी। इसके उपरांत स्वाति नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 2:33 से 4:59 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:14 से 1:02 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर शाम 4:29 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 2 मार्च 2021 दिन मंगलवार, पिछले कुछ समय से आप आवेग के प्रभाव में आकर फैसले ले सकते हैं, लेकिन आज आपको योजना बनाकर सही ढंग से काम करने की महत्व का पता चलेगा। इसी से आपकी प्रवृत्ति बदल जाएगी और आपके काम का ढंग नियोजित होता जाएगा। योजना बनाने के लिए कभी देर नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा। योजना बनाकर आप सभी कामों को सही ढंग से कर भी पाएंगी। आपका उदार व सहज स्वभाव ही आपकी सफलता का कारण बनेगा। लोगों के बीच में आपकी उत्तम छवि बनेगी। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। विद्यार्थीगण अपने अध्ययन संबंधित गतिविधियों पर पूरी तरह एकाग्रचित रहेंगी। हर किसी बात पर आज आपको बेचैनी महसूस हो सकती है। केवल अपने ही विचार में खोए रहने की वजह से आप परिस्थिति को जैसी है वैसी देख नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण आपके मन में डर उत्पन्न हो रहा है जो आपके आगे के निर्णय को रोक सकता है। काम से संबंधित बातों में प्रगति देखने के लिए अपने व्यक्तिगत दायरे से बाहर निकलकर रिस्क लेना आपको सीखना होगा। पिछले समय में पार्टनर द्वारा हुई गलतियों को माफ करना सीखें। सावधानियां, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो मामला आज उलझ सकता है, इसलिए अत्यधिक सावधानी बरतना जरूरी है। धन की निवेश संबंधित कार्य में किसी की बात में न आकर पूरी जांच पड़ताल अवश्य कर लें। बात करते हैं लव लाइफ की। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन विवाहोत्तर प्रेम संबंध आपके परिवार की खुशियों को ग्रहण लगा सकते हैं। रिश्ते का सुनहरा नियम यह है कि आपको अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। इस बार अपने दिल को अपने मन पर हावी होने दें। आपके आसपास के लोग आपकी साथी को ढंग से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए अपने प्रेमी के जीवन में उनकी बातों को ना भूलें। अपने दिल की सुने और अपनी आत्मसम्मान को बनाए रखने की कोशिश करें। सबसे जरूरी चीज जो आपके लिए मायने रखती है वो है रिश्ते की पवित्रता। बात करते हैं करियर की। आपकी वित्तीय स्थिति में लगातार वृद्धि दिख रही है और आगे भी इनमें सुधार की संभावना है, परंतु आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपकी नियंत्रण से परे स्थितियां आपकी उत्पादकता और काम करने की क्षमता को प्रभावित कर रही हैं। लेकिन आपका डर निराधार है, यहाँ तक कि आपके वरिष्ठ अधिकारी इस चीज को समझते हैं और आपके हालातों के साथ हमदर्दी भी रखते हैं।
और आपके काम में समर्थन भी करेंगे, सहयोगी भी आपको सहयोग करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित गतिविधियों में फायदा होगा। आपके उत्तम छवि की वजह से आपको उचित ऑर्डर भी मिलेंगे। नौकरी में इस समय अपने टारगेट को हासिल करने के लिए बहुत अधिक मेहनत की जरूरत है। बात करती है सेहत की। आपको आज का दिन आराम से गुजरना होगा। सुबह उठने से ही लेकर आप काफी आलस सा महसूस करेंगे, जिसका असर आप पर पूरा दिन बना रहेगा। दिन जैसे हैं वैसे आगे बढ़ेगा। आपको जोड़ों की मदद और कमर दर्द की समस्या गंभीर रूप लेती दिखाई दे रही है और आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि आप ऐसे कार्य ना करें जिससे दर्द बढ़ जाए। आज समय है कि आप अपनी सब कामों से छुट्टी लेकर आराम से दिन बिताएं। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी को गुड़ का भोग लगाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।